हॉट न्यूज में अब बात करते हैं बिग बॉस 18 की। अब घर के अंदर इस नॉमिनेशन टास्क में होगी रिश्तों की अग्नि परीक्षा। इस बार बिग बॉस ने दिया है घर वालों को एक स्पेशल नॉमिनेशन टास्क। इस टास्क के अंदर घर वाले एक एक कर सभी को नॉमिनेट करेंगे और जो जो नॉमिनेट होता जाएगा उसे करण का झटका लगेगा। जिस भी सदस्य को सबसे ज्यादा शॉक मिलेगा वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। इस टास्क के दौरान जिस भी कंटेस्टेंट्स को सबसे ज्यादा करंट के झटके लगेंगे वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। हर जगह वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि वो ट्रू सेल्फ है कि नहीं है। चाहत पूरा मुद्दा कुछ अपने बारे में बना लेती है, चीजें भी समझती नहीं है। कन्वीनियंस के हिसाब से खुद जो करती है वो सब सही होता है, दूसरा जो करता है वो सब कुछ गलत होता है। एलिस है, सिर्फ अविनाश के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी रहती है। ईशा घर के किसी भी मुद्दे में अपना कोई ओपिनियन नहीं रखा, वो सिर्फ एक काम करती हैं, अविनाश की असिस्टेंट बन के आती हैं और वो एडवोकेट की तरह बताती हैं सबको कि नहीं वो सही है, इसने ऐसा किया तो उसने भी ऐसा किया, ये गलत था वो गलत था। उनका घर में अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है।